2020 में जो विधानसभा का चुनाव चल रहा उस चुनाव से पहले हमने एक तीसरा गठबंधन बिहार में बनाया जो गठबंधन नीतीश कुमार जी से भी अलग था और महागठबंधन से भी अलग। जितना वोट लोगों ने दिया उतना वोट से काम नहीं चल रहा। लोगों ने वोट जरूर दिया लेकिन वोट देने में लोग कंजूसी कर। बिहार में हमारा प्रयास था कि राष्ट्रीय लोक सत्ता पार्टी को लोग इतनी ताकत जरूर दे दें जिससे राष्ट्रीय लोक सत्ता पार्टी मजबूती से बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप करने लायक की स्थिति में आ। देखिए उस वक्त की हमारी अपेक्षा बिहार के लोगों से यह नहीं थी कि कोई हम 50 सीट पर जीत जाएंगे 100 सीट पर जीत जाएंगे। भाई और मित्रों 2020 का जो विधानसभा चुनाव है मैं यह बात इसलिए बताना चाहता हूं कि लोगों के बीच जाइए जो सवाल करेंगे उनको बताइए। ऐसे अलग बात है कि जो लोग कम साथ देते हैं संघर्ष में उनकी ओर से ज्यादा सवाल होता है लेकिन फिर भी सवाल कोई करे उनके सवालों का जवाब देना लाजमी है। 2020 में जो विधानसभा का चुनाव चल रहा है उस चुनाव से पहले हमने एक तीसरा गठबंधन बिहार में बनाया जो गठबंधन नीतीश कुमार जी से भी अलग था और महागठबंधन से भी अलग था। तीसरा गठबंधन बनाया और तीसरा गठबंधन बनाकर हम चुनाव के मैदान में गए और उस गठबंधन के माध्यम से बिहार के सभी लोग उम्मीदवार अधिकांश जगह राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से और शेष जगह उस वक्त गठबंधन की जो दूसरी पार्टियां थी उनकी ओर से उम्मीदवार। तीसरा गठबंधन के रूप में हम लोगों के बीच गए बिहार में हमारा प्रयास था कि राष्ट्रीय लोक सत्ता पार्टी को लोग इतनी ताकत जरूर दे दें जिससे राष्ट्रीय लोक सत्ता पार्टी मजबूती से बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप करने लायक की स्थिति में आ जाए इतनी हमारी अपेक्षा थी लेकिन हुआ क्या है। परफेक्शन IAS सिविल सेवा BPSC UPSC परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान। बेहतर सफलता के लिए केंद्रित परफेक्शन IAS फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन IAS कुमार टावर बोरिंग रोड पटना। लोगों ने वोट दिया है पता नहीं हम करेंगे लोगों ने वोट नहीं दिया वोट दिया है जिस इलाके में सहारा का इलाका जिसमें बक्सर हो कैमूर हो रंग का जिला रोहतास हो या मगध का इलाका भी सोन के उस पार का इलाका भी औरंगाबाद इत्यादि फिर चंपारण का कुछ इलाका सीतामढ़ी इन इलाकों में लोगों ने वोट दिया है लेकिन वोट जितना वोट लोगों ने दिया उतना वोट से काम नहीं चल रहा। लोगों ने वोट जरूर दिया लेकिन वोट देने में लोग कंजूसी करे। जो लोग सवाल करते होंगे उसे कहिएगा कि वोट देने में कंजूसी क्यों करेंगे। हम यह नहीं कह रहे आम लोगों पर कोई ब्लेम हम नहीं लगा रहे। वोट देना तो उनकी मर्जी होती है जिसको मन में आ रहे लोग वोट दे उनकी मर्जी लेकिन सवाल जो लोग करते हैं उनसे जरूर यह बात कहिए वोट देने में अगर लोगों ने कंजूसी नहीं की होती। देखिए उस वक्त की हमारी अपेक्षा बिहार के लोगों से यह नहीं थी कि कोई हम 50 सीट पर जीत जाएंगे 100 सीट पर जीत जाएंगे इतनी अपेक्षा हमारी नहीं थी लेकिन इतनी अपेक्षा तो थी ही कि लोग कम से कम इतना वोट जरूर देंगे कि बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी स्थापित हो जाए।